नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले भाई कि जो मैच हुआ था आरसीबी और दिल्ली का भाई जो मैच हुआ था उसमें आरसीबी को हार मिल गई है और जो है बहुत ही बड़े अंतर से आरसीबी इस मैच को हारी है। लगभग 270 रन से भाई आरसीबी को इस मैच में हार मिला है, जिसको लेकर भाई फैंस में अच्छी खासी जो है मायूसी बनी हुई है। तो दोस्तों इसको लेकर भाई क्या कुछ कहा विराट कोहली ने मैच के बाद, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई सबसे बड़े फैन हैं आप किंग कोहली के और आरसीबी टीम के तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आईपीएल से और आरसीबी टीम से जुड़ी हुई। तो दोस्तों हम बात करते हैं भाई कि जो मैच हुआ वो कैसे हुआ। दोस्तों जो भाई जो मैच है उसमें पहले टॉस जीता आरसीबी के कप्तान भाई किंग कोहली ने। टॉस जीत के भाई उन्होंने चूज़ किया गेंदबाजी और बैटिंग करने उतर आए भाई दिल्ली के धाकड़ ओपनर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। दोस्तों दोनों ने भाई अच्छी खासी जो है ओपनिंग शुरुआत दी और यहाँ पे जो पूरा 6 ओवर का क्रेडिट जाता है वो जाता है पूरा भाई दिल्ली को, यानी कि आरसीबी एक भी विकेट लेने में सफल नहीं रह पाई। तो दोस्तों भाई इसी तरह जो दिल्ली की टीम है उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग की और मिडिल ओवर में आकर मार्कस टॉनिस ने काफ़ी अच्छे जो है शॉट्स खेले और 23 गेंद में 52 रन बना के एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया दिल्ली कैपिटल्स को, जहां पे उनका टारगेट जो आ गया भाई 193 रन का आ गया। वही भी दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। उनकी ओपनिंग भाई जो मजबूत दिख रही थी पिछले मैचेस में वो इस मैच में नहीं चली और जल्दी जल्दी जो है बैट्समैन लंबे लंबे शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट हो गए। दोस्तों यहाँ पे देखा जाता भाई लोग कह रहे थे कि कोहली को थोड़ा पिच पे टिकना चाहिए था, मैच को अंत तक लेके जाना चाहिए था, पहले ही जो है शॉट्स खेल के आउट नहीं होना चाहिए था। एवी डिविलियर्स के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा था। दोस्तों इसके चलते भाई आरसीबी जो टीम है वो 70 रनों से मैच को हार गई और हार के बाद विराट कोहली ने कहा कि जो उनकी बैटिंग है इस मैच में ठीक ठाक नहीं रही और आज उनका दिन नहीं रहा। तो उन्होंने साफ साफ कहा भाई कि जो उनकी बैटिंग है काफ़ी कमज़ोर पड़ गई इस लक्ष्य का पीछा करने में और उन्होंने भाई क्रेडिट दिया कि जो पृथ्वी शॉ ने शुरुआत दिया वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगले मैच में भाई अच्छी तरीके से जो वापसी करेंगे और क्रिस मॉरिस के बारे में उन्होंने कहा कि वो फिट थे लेकिन इस मैच में हम उन्हें चांस नहीं दिए, अगले मैच में उनको श्योरली चांस मिलेगा। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी भाई कि जो अगला मैच खेलेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, क्या उसमें क्रिस मॉरिस की वापसी होती है या नहीं। दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताइए भाई कि क्रिस मॉरिस को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए टीम में, ताकि जो आरसीबी की टीम थोड़ी बैलेंस दिख सके। दोस्तों इस मैच में भाई सबको विश्वास था कि जो मोइन अली है वो आएंगे अच्छा करेंगे, लेकिन दोस्तों मोइन अली आए भाई और ना तो गेंदबाजी ना तो बल्लेबाजी किसी से कमाल नहीं दिखा सके और जो टीम है भाई उन्हें काफ़ी जो है बैट्समैन की कमी खली, क्योंकि गुरप्रीत सिंह मान को भाई यहाँ पे मैच में नहीं लिया गया था। तो ऐसे में एक जो प्योर बैट्समैन था उसे मिस किया आरसीबी ने और उसका खामियाजा उनको मैच में भुगतना पड़ा। तो दोस्तों आप भी जो है हमें कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ था परफॉर्मेंस आरसीबी की टीम की तरफ से, क्या आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा और अगले मैच में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप आरसीबी टीम की तरफ से। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।